आकांक्षा सिंह ने हिस्ट्री बना दी है, इतिहास रच दिया है। भले वो ऑल इंडिया रैंक 2 आई और उसके पीछे का क्राइटेरिया कुछ और था। क्वेश्चन ये है कि जब आकांक्षा सिंह ने 720 नंबर बनाए, ऑल इंडिया रैंक 2 क्यों है? सवाल काफी बच्चों के उठता होगा कि 720 में से 720 नंबर बनाए, पूरे में से पूरे मार्क है, तो ऑल इंडिया रैंक 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं है, है ना? तो ये सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। बट व्हाई रैंक 2, सेकंड रैंक क्यों है? तो उसके पीछे का लॉजिक मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। रैंक 1 बेसिकली किसकी है? शोएब आफताब की। वो लड़का सब जानते हैं, उसने भी हिस्ट्री क्रिएट की है, पर आज हम लोग आकांक्षा को के लिए बात करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि चांद पे पहला कदम किसने रखा, लोग उसी को याद रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे इंडिया के बच्चे जो नीट के एक्सपायरेंट है, वो आकांक्षा सिंह को भी याद रखें, क्योंकि उस बच्ची ने भी 720 में से 720 मार्क बनाए हैं। सिर्फ एक छोटे से टाई ब्रेकर की वजह से उसकी रैंक बेसिकली किसकी, आकांक्षा सिंह की रैंक नंबर 2 आई, अदरवाइज वो रैंक नंबर 1 ही थी। और वो टाई ब्रेकर भी बड़ा अजीब सा था, जो सुन के थोड़ा हैरानी होती है। आकांक्षा सिंह, जब आकांक्षा सिंह और शोएब आफताब, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया, तो इनके बायोलॉजी में, इनके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मार्क सेम थे। फिर पूछा गया कि भैया कितने, किसने ज्यादा गलत किए, किसने कम गलत किए हैं, वो क्राइटेरिया चेक किया, सब तो सेम ही था, क्योंकि 720 में 720 नंबर थे, सब सेम ही किया था। फिर आया एज का क्राइटेरिया, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, बट ठीक है, जो भी उन्होंने पहले सेट किया हुआ था कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तब एज का क्राइटेरिया लगेगा। इन दैट केस शोएब आफताब 18 साल के थे और आकांक्षा सिंह 17 साल की थी, इसलिए शोएब आफताब को पहली रैंक दी गई और आकांक्षा सिंह को दूसरी रैंक दी गई। लेकिन आप जरा सोचो कि इस बच्ची को ध्यान से देखो, यूपी की हमारी इस बच्ची ने इतनी कम उम्र में, टॉपर की उम्र 1 साल ज्यादा है, टॉपर में 1 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा था, उसके बावजूद भी टक्कर से टक्कर दी और 720 में से 720 नंबर बनाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर जो दिया गया क्राइटेरिया उसका सम्मान करते हैं, और ओवरऑल हमारे लिए ये 2 टॉपर्स हैं, ठीक है? तो आकांक्षा सिंह और उनके जज्बे के लिए सल्यूट है।